बहुत स्वादिष्ट है। चलिए, झरने पर हमें स्नान करने चलना है। तुम ही जाओ कार्तिक, आज भोजन की मात्रा थोड़ी अधिक हो गई है, मुझे नींद आ रही है। बहुत अधिक खाकर आप बड़े आलसी हो गए हैं भैया। हाँ, व्यर्थ की बात है, मैं तुमसे अधिक चुस्त और फुर्तीला हूँ। रहने दीजिए भैया, आप तो मेरे साथ दौड़ भी नहीं पाएंगे। तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते कार्तिक। नारायण नारायण, आप दोनों में से कौन अधिक सक्षम है, इस बात का निर्णय तो एक स्पर्धा से ही हो सकता है। कैसी स्पर्धा मुनिवर? आप दोनों ही पूरे विश्व के 3 चक्कर लगा कर आए, जो पहले वापस आकर अपने माता पिता को प्रणाम करेगा वही विजयी घोषित किया जाएगा। नारायण नारायण, विश्व के 3 चक्कर, मैं मूर्छित हो रहा हूँ प्रभु। मुझे स्वीकार है। मुझे भी स्वीकार है। के 3 चक्कर पूरे हो गए मुनिवर। कैसे, आप तो यहाँ से गए ही नहीं। आप तो सब जानते हैं मुनिवर, मेरे माता पिता में पूरा विश्व समाया हुआ है, उनका चक्कर लगा लिया तो हो गया पूरा विश्व का चक्कर। गए नहीं, सचमुच आलसी हो गए आप। इन्होंने आपसे पहले ही विश्व के 3 चक्कर पूरे कर लिए हैं और ये विजयी घोषित भी हो चुके हैं। नारायण नारायण। नहीं, भैया ने जरूर कोई चालाकी की है। चालाकी नहीं, बुद्धिमानी। नारायण नारायण। अच्छा भैया, अगर आप सचमुच दुनिया के 3 चक्कर लगा के आए हैं तो बताइए आपने क्या क्या देखा। 7 महाद्वीप, 4 महासागर, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की सबसे लंबी नील नदी देखी। और बताऊं? बस बस, आप विजयी हुए, लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक छोटी सी युक्ति से, परंतु आज मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा छोटा भाई भी कुछ कम नहीं। वास्तव में आज के इस स्पर्धा के सच्चे विजेता तो तुम ही हो।
का भी गणेश जी से पंगा हो गया था। रात का समय था, चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियों पर चांदी बिखरी हुई थी। चलो जल्दी चलो, मूर्ख मूषक गिरा क्यों दिया? मैं क्या करूं? ये सर्प अचानक मार्ग में आ गया। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, मैं जरा जल्दी में था। मेरे सारे लड्डू गिरा दिए। अच्छा, अब तू ही इनको संभाल के रख। अब कहाँ भागेगा? प्रभु प्रभु, जरा संभाल कर बांधिए, लगती है। मोटे गणपति पिलपिले लड्डू लेकर गिर पड़े। मेरा मजाक उड़ाता है दुष्ट चंद्रमा। जा, तेरे चेहरे की चमक जिस पर तू इतना गर्व करता है नष्ट हो जाएगी। प्रभु, तू अपनी चांदी नहीं बिखेर सकेगा। जो भी तुझे देखेगा उसे भी कलंक लग जाएगा। नहीं, नहीं। क्षमा करें प्रभु, मैंने दुर्भावना से कुछ नहीं कहा। मैं तो सहज मखौल कर रहा था, मुझे क्षमा करें। ये काला मुंह लेकर मैं कैसे जीऊंगा? आपका हृदय विशाल है, मैं आपकी शरण में हूँ भगवान। मेरी चमक मुझे वापस लौटा दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। उठो चंद्र, आप स्वयं देवता हैं। किसी की शारीरिक कमजोरियों पर मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता। आप सत्य कह रहे हैं श्री गणेश, भविष्य में मैं कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करें। जी हाँ प्रभु, चांद की चांदी नहीं रहेगी तो रात्रि का क्या आनंद। क्षमा करें चंद्रदेव, मैं आपको दिया हुआ श्राप पूरी तरह वापस तो नहीं ले सकता, परंतु ये वरदान देता हूँ कि आपके चेहरे की चमक धीरे धीरे जाएगी और धीरे धीरे वापस लौट आएगी। सृष्टि के लोग आपकी चांदी से वंचित नहीं होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Oh,
महादेव। प्रभु के चरणों में दास का प्रणाम। माता पार्वती और बालक गणेश को भी शत शत प्रणाम। भगवान, आपके चरणों में एक निमंत्रण लेकर आया हूं। कैसा निमंत्रण? मेरी प्रार्थना है कि आप सब मेरे महल में पधारें और भोजन ग्रहण करें। ये हमें भोजन का निमंत्रण देने के बहाने अपने धन और वैभव का प्रदर्शन करने आया है। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें प्रभु। क्षमा करें महाराज कुबेर, कैलाश पर्वत छोड़कर आना मेरे लिए असंभव है। और पतिदेव के बिना मेरा आना भी संभव नहीं होगा। तो क्या स्वयं भगवान के घर से मुझे निराश लौटना पड़ेगा? नहीं महाराज, आप जब इतने प्रेम से निमंत्रण लेकर आए हैं तो आपका निमंत्रण हमें स्वीकार है। आप बालक गणेश को ले जाएं। इसे स्वादिष्ट भोजन बहुत प्रिय है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। चलिए श्री गणेश। आज्ञा पिताश्री। अंदर चलिए गणेश। चलिए श्री गणेश।
जल्दी लाओ। अब कहां से लाऊं? पूरे शहर का भोजन तो चट कर दिया आपने। मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारा अतिथि हूँ, मेरी भूख शांत करना तुम्हारा कर्तव्य है। भोजन लाओ वरना मैं तुम्हें खाऊंगा। भाग गया, अब मैं क्या खाऊं? दुहाई हो प्रभु, दुहाई हो। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। क्या हुआ महाराज कुबेर, इतना घबराए हुए क्यों हैं आप? प्रभु, आपसे क्या छिपा है? आपके पुत्र गणेश की भूख शांत नहीं हो रही है, वो मुझे खाने की धमकी दे रहे हैं। अरे भाई, आप तो धन और ऐश्वर्य के मालिक हैं, एक बच्चे को पेट भर भोजन नहीं खिला सकते। मुझे क्षमा करें देव, मैं अभिमानवश आपको निमंत्रण देने आया था, परंतु श्री गणेश जी ने मेरा अभिमान चूर चूर कर दिया। चलिए अच्छा हुआ, आपको अपनी गलती का एहसास तो हो गया। धन धान्य से संपन्न व्यक्ति को फलों से लदे पेड़ की तरह होना चाहिए, जो हमेशा झुका रहता है। प्रभु, मैं एक कटोरी भात लाया हूँ, इसे भी ग्रहण करें। इतने से भात से मेरा क्या होगा, पर लाओ। वाह, बड़ा ही स्वादिष्ट भात था, मेरा पेट भर गया। धन्य हो प्रभु, शायद मैं अतिथि सत्कार अच्छी तरह नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करें। कोई बात नहीं, फिर किसी दिन मुझे खाने पर बुला लेना। नहीं, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें।